Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to Textbook Life, Textbook.com, and here I am Rishabh Pandey, and once again I welcome you all to the live session of Textbook. Come on guys, get connected fast. Share the session as much as possible everyone, share it fast. जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, और जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो. आज पूरा का पूरा रिविजन होगा हिस्ट्री का फॉर NTPC एंड ग्रुप डी. कम ऑन गाइज, ज्वाइन द सेशन. जयवीर गुड मॉर्निंग, उद्धव, प्राची, भगवान सिंह, अजय, शिकन, प्रवीण, ऑल ऑफ यू वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू ऑल. अशिता गुड मॉर्निंग एवरीवन. जेवी सून इंग्लिश प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे. गुड मॉर्निंग अजय, मैं बढ़िया हूं. अंकित स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. गौरविया थलूरी गुड नाइट. Your exam is on 27th, Shreyan. Good morning, all of you. Jayveer, soon. Jaldi. Good morning, Shri Lakshmi. So, shuru kiya jaye. I'm good, Atul. Guys, share the session as much as possible. Chalo. Thoda sa briefing kar di jaye. Aur phir session ko start karte hain. Turant. जैसा कि सबको पता है NTPC के लिए वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, बैच 5 लाइव कोचिंग बैच, जो आपके लिए 299 में अवेलेबल है, जिसमें 3 मंथ का टेस्ट बुक पास साथ में है. और ये बैच आप अवेल कर सकते हो जस्ट फॉर 299, और मेरा कोड ऋषभ पी लगा दो, RISHABH और लास्ट में पी, तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, एंड अबव दिस 12 मंथ ईयरली टेस्ट बुक पास जो 299 में वो भी अवेलेबल है आपको, जिसमें 100 प्लस लाइव कोर्सेज, 12,000 प्लस टेस्ट और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन गाना प्लस का भी अवेलेबल है. तो गाइस जल्दी से ले लो, कम ऑन. क्लियर, तो अभी शुरू करते हैं सेशन को सीधा, और पहला क्वेश्चन आप सबके सामने आता है. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर फास्ट. What is the name of the book where the rules made by the Buddhist Sanghas were laid down? Yes, Pooja, अभी शुरू हुआ है. Guys, share the session as much as possible. जल्दी से session को share करो. उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? स्रोत विनय पिटका, महाभिष्कर्मण और पंचतंत्र. सुप्रभात ऋषिफ. विनय पिटका, विनय पिटका आंसर आना शुरू हो गया. विनय पिटका, दैट्स अ करेक्ट आंसर. ठीक है, बुद्ध संघ के नियम विनय पिटका में दिए गए. कितने पिटका हैं? 3 पिटका हैं, सुत्ता पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका. या गाइस डोंट स्पैम, यस कोई स्पैम ना करो. क्लियर,
चलो नेक्स्ट पंचा है विष्णु शर्मा, जो प्लेस पर है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन अडॉप्शन ऑफ द लायन कैपिटल बिल्ड बाय विच एम्परर। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लायन कैपिटल के सम्राट द्वारा बनवाया गया है? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। फास्ट है गाइस। जल्दी से अगले का आंसर करो। महाभिस्रमण उनका गृह त्याग का पहला फेज था। अकबर, अशोक, 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 दैट्स द करेक्ट आंसर। अशोक ने बनवाया था, जिसको हम लोगों ने अपना एम्बलेम बनाया हुआ है। दैट्स द करेक्ट आंसर अशोक। अगला क्वेश्चन सबके सामने है। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी? काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। जल्दी से बताओ कौन सी थी वो ऑर्गेनाइजेशन। विच वॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन? फास्टर। चलो सेकेंड, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। ग्रेट, गुड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? इनमें से कौन सी लड़ाई महान अलेक्जेंडर द्वारा लड़ी गई थी? सिकंदर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? पानीपत, आम्बोर, सैमल और हाइडस्पीस। कौन सी लड़ाई, विच बैटल? हाँ, बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पोरस के साथ। हाइडस्पीस। यस, गुड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमसली नोन एज रंगीला? लेटर मुगल्स का है ये। निम्नलिखित में से किसे रंगीला कहा जाता था? हाँ, 326 जेहलम के पास राजा पोरस से लड़ाई हुई थी। रंगीला नाम से कौन सा राजा फेमस है? मुगल बादशाह। अहमद शाह रंगीला? नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला। यस पूजा, दीपक, मोहम्मद शाह रंगीला। यस सुरभि, कोल्ड हो गया है। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन। सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दो एज मच एज पॉसिबल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत सही। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला अपने मिजाज के लिए इनको रंगीला बोला गया था। जहादर शाह वो थे जिनके वजीर थे निजामुल मुल्क, जिनका एक सपना क्या उन्होंने अपना बना ही लिया था बेसिकली, हैदराबाद को अपना राज घराना पूरा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ महमूद गजनी? इनमें से कौन महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे? आमिर खुसरो, हसैन निजामी, अबू लैला अल मल मुल मुहालल हेल, फिरदौसी। टेक केयर डियर। मॉडर्न से आ रहे हैं तो मॉडर्न कवर किया है मैंने, मेडिवल भी कवर किया है और एंशियंट भी कवर किया है। विकास, आई एम गुड। अनुराग फोर्थ, फिरदौसी, फिरदौसी पर ताला लगाया जाए। क्या
नेक्स्ट द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 6th century BC वॉज ईसा पूर्व 6th शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक कौन था महावीर प्रसेनजीत बिंबिसार अजाचत्रु हाय सुरेश अमीर खुसरो नहीं था यस मॉर्निंग घंटी की आवाज नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट गाइस महावीर प्रसेनजीत बिंबिसार अजातशत्रु बिंबिसार आंसर आना शुरू हो गया बिंबिसार ग्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दीन इलाही निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही की शुरुआत की अकबर आंसर आ रहा है अकबर कम ऑन गाइस कीप ऑन आंसरिंग अकबर 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 ग्रेट विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले को किस राज्य में सम्मिलित किया गया अंग देश महाजनपद है बेसिकली अंग कोसला मगध अवंती अच्छा कोसला को बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु ने अपने कौन से मामा से धमकी देके काशी लिया था वो कोसल राज थे उनका नाम क्या था कोसल राज का मगध आंसर आ गया मगध और अंगराज कर्ण सबको याद होंगे अंग उसके अंग मगध के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुनाई दिया सबको वो कोसल राज कौन थे जिनको बिंबिसार के लड़के अजात शत्रु ने धमकी देके कहा था कि मेरे को काशी दे दो प्रसेनजीत बहुत सही इशिता प्रसेनजीत प्रसेनजीत को मामा थे हाँ मामा जी थे मामा नहीं जरासन नहीं प्रसेनजीत या गुड नेक्स्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी आंदोलन भारत में किस दौरान शुरू हुआ एंटी पार्टीशन एजिटेशन था एंटी बंगाल पार्टीशन एजिटेशन द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिटवीन 1919-22 द चंपारण सत्याग्रह ऑफ गांधी द प्रोटेस्ट अगेंस्ट राउलट एक्ट यहाँ मामा श्री नहीं थे मामा थे केवल मामा श्री तो उसमें थे महाभारत में गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन हाँ जिसके इलाज के लिए जीवक को भेजा था पढ़ेंगे बिंबिसार जीजा जी थे बिंबिसार का जीजा नहीं था बिंबिसार जीजा जी थे एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट गुड नेक्स्ट क्वेश्चन वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वैशाली वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वैशाली किसका कैपिटल था फास्ट आई एम गुड सुरेश गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एज मच एज पॉसिबल पुनीत वज्जी गुड वज्जी वैशाली वज्जी में कितने ट्राइब्स थे 8 ट्राइब्स थे इसको अष्टकुला कहते थे इसको अष्टकुला कहते थे वज्जी की 8 ट्राइब को अष्टकुला कहते थे 8 कुल थे इसमें 8 ट्राइब अष्टकुला कहते थे इसलिए यस Who was the first Muslim president of the Indian National Congress?
हकीम अजमल खान, अब्दुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी। या वज्जी वॉज ऑल्सो द रिपब्लिक ड्यूरिंग दिस टाइम, इट वॉज नॉट अ मोनार्की। वज्जी मोनार्की नहीं था, रिपब्लिक था। एट ट्राइब्स अष्टकुला। नाउ बदरुद्दीन तैयब जी, ग्रेट करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया वॉज द फेमस बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन 1757? यहाँ पर एक एडॉन क्वेश्चन दे रहा हूँ, कौन सी नदी के पास पड़ता है ये बैटल ऑफ प्लासी, जिस मैदान में लड़ी गई उसके पास कौन सी नदी पड़ती है, विच रिवर। ठीक है, और एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि इसको प्लासी क्यों कहते हैं, यहाँ पलाश के फूल का मैदान था इसलिए इसको पलाशी बोलते थे, और अंग्रेज पलाशी बोल नहीं पाते थे, सो दे वर नॉट एबल टू स्पीक पलाशी, सो दे स्टार्टेड स्पीकिंग प्लासी प्लासी प्लासी। राजस्थान पड़ता है ये, वेस्ट बंगाल, यस वेस्ट बंगाल। उगली नहीं, यहाँ पर भागीरथी है, भागीरथी यहाँ भी है, याद रखना भागीरथी बिहार से वेस्ट बंगाल में इंटर। अभी क्लियर है, अभी बफरिंग हट चुका होगा। अभी क्लियर, अभी बफरिंग नहीं हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मणा बिलोंग्स टू सामवेद, इनमें से कौन सा ब्राह्मणा सामवेद को बिलोंग करता है, ब्राह्मणा ब्राह्मण नहीं। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन। ये अलकनंदा की तरफ वाला नहीं है दिग्विजय, आगे चल के डिवाइड होके फिर भागीरथी कहलाती है। कीप ऑन आंसरिंग गाइस। एत्रेय तंदमहा गोपथा सतपथा, एत्रेय कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस एज मच एज पॉसिबल। द करेक्ट इज तदम्य, तदम्य करेक्ट है, तदम्य नहीं, ना गोपता है ना सतपता है ना एत्रेय, करेक्ट है तदम्य, और सबसे लंबा है सतपथ, लॉन्गेस्ट ब्राह्मण, लॉन्गेस्ट ब्राह्मणा, सबसे बड़ा ब्राह्मणा अगर बोला जाए टेक्स्ट के मामले में, लॉन्गेस्ट ब्राह्मणा वो है सतपथ। वेयर डिड गौतम बुद्ध अटेन निर्वाण, गौतम बुद्ध को निर्वाण कब मिला, कहाँ मिला, सॉरी कहाँ पर उनको निर्वाण मिला, आत्मज्ञान, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया। बहुत आसान है, गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एज मच एज पॉसिबल। यस ऑफ यजुर्वेद, कुशीनगर में। बोध गया बोध गया बोध गया, निर्वाण की बात हो रही है जहां पर उनको ज्ञान मिला उसकी बात हो रही है, बोध गया यहां पर निर्वाण। ठीक है, लुम्बिनी में तो बर्थ था उनका, ठीक है, सारनाथ में उनका पहला सरमन था, धम्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, क्लियर, यस। चलो नेक्स्ट। इन 1872 लॉर्ड मेयो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन,
1872 में लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय की हत्या कर दी गई थी कहां पर? पोर्ट ब्लेयर, कोलकाता, दीव, दिल्ली। नहीं, वो महापरिनिर्वाण है प्रीतम, वो महापरिनिर्वाण है, वो महापरिनिर्वाण, वो कुशीनगर में था, वो महापरिनिर्वाण है, वो कुशीनगर में था। पोर्ट ब्लेयर, ग्रेट। अंडर हूज किंगशिप फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड, किसके अधीन चौथी बुद्धिस्ट बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? अशोक, कलाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस and hit the like button also. Kanishk, but कहां पर हुई थी और टाइम भी बता देना। I mean to say which year, what was the year? Year क्या था? Kanishk के दौरान हुई थी। और हेडमैन कौन था इसमें? हेडमैन मतलब कौन, किन के अंडर हुई थी ये मीटिंग? फर्स्ट, पहली शताब्दी, पहली शताब्दी मेनली 78 AD था, पहली शताब्दी में 78 AD, ठीक है। कनिष्क ने कश्मीर में करवाई थी, वासुमित्र और अश्वघोष हेडमैन थे। 78 कश्मीर, वासुमित्र और अश्वघोष, गुड। Keep on sharing. Sondarya, I can take in English, but the thing is, I am taking in both the languages because I have people over here who belong to both the languages, Hindi as well as English. 78. वो मैंने clear करवा दिया था 72-78 का जो controversy था वो मैंने class में clear करवा दिया था, 78 was the right one. निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दोहरे दफन के लिए सबूत मिले हैं? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स एविडेंस ऑफ डबल बरियल हैव बीन फाउंड? लोथल, कालीबंगान, सुरकोतड़ा, मोहनजोदारो। लोथल आंसर आना शुरू हो गए हैं। द करेक्ट आंसर लोथल, गुड। परवेश ल्यूसेंट इज गिविंग 72, बट इफ यू जस्ट मैच फ्रॉम द टाइम लाइन ऑफ कनिष्क यू वोंट गेट इट। न 72 है ना 98 है, इट 78। कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस। Which of the following Indian rulers were also known as Devanam Priya or Priyadarshan, dear to God? Yes, Pravesh. Devanam Priyadasi, इसी के नाम से ज्यादातर जगह उनके रॉक एडिक्ट्स में नाम लिखा हुआ है, कुछ याद है? नहीं अंकित, क्लास में पढ़ाया भी था लोथल, लोथल की खासियत भी बताई थी काफी। अशोका आंसर आ गया, अशोका एवरीवन, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड इंडस वैली साइट, सबसे पुरानी इंडस वैली साइट किसको माना जाता है? सबसे पुरानी खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है, मोहनजोदारो, भिराना, अल्लादीनो और राखीगढ़ी। पूजा क्वेश्चन काफी देर से चेंज हो चुका है।
मोहनजोदारो। लेकिन सही आंसर है भिड़ाना, 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 भिड़ाना इज द करेक्ट आंसर। सबसे पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है भिड़ाना को। कंफ्यूजन तब होता है जब हड़प्पा आता। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरात। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने खैरात। हरियाणा में भिराना प्रतीक, भिराना इज इन हरियाणा। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट आंसर। सॉरी, द करेक्ट आंसर बीन्स फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात। वॉट इज द कैपिटल ऑफ सुरसेन महाजनपद। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर, तक्षशिला, काशी, मथुरा। लगभग टाइटल था अलाउद्दीन खिलजी का, लेकिन सॉरी उनका कुतुबुद्दीन ऐबक का। करेक्ट आंसर मथुरा। वेरी गुड अजय। व्हाट इज दीघा निकाय? दीघ निकाय क्या है? जैन टेक्स, बुद्धिस्ट टेक्स, ब्राह्मण बुक, उपनिषद। दीघ निकाय। मथुरा वॉज द करेक्ट आंसर डियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दीघ निकाय क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। करेक्ट आंसर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन, विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बाय गांधी जी? किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग खिलाफत आंदोलन को समाप्त किया गया? पासिंग ऑफ रायवोलट एक्ट, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट। विच पर्टिकुलर इंसिडेंट? चौरी चौरा इंसिडेंट। ग्रेट आंसर। बुद्ध एंड महावीरा बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद? बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से संबंधित थे? इतना याद रखना, ऐसा महाजनपद है जिसमें 8 क्लैन है, 8 क्लैंस। चौरी चौरा इंसिडेंट। 5 फरवरी को हुआ था, 7 दिन बाद 12 तारीख को उन्होंने खत्म कर दिया था। 5 फरवरी को इंसिडेंट हुआ था, 7 दिन बाद 12 फरवरी को उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी पूजा, जेल में नहीं, पुलिस स्टेशन में। वज्जी आंसर आ चुका है, कैप्टन नीमो। वेरी नाइस वज्जी। अष्टकुला, 8 ट्राइब्स थी इसमें, देवर 8 ट्राइब्स। Which among the following is the largest among the four ancient civilizations? निम्नलिखित में से कौन सी 4 प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी है? मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ओल्डेस्ट कौन सी है?
keep on answering, guys, faster, and share the session as much as possible. Vajji capital Vaishali, not Mithila. Vajji capital Vaishali, Ajay. Chori Chora incident took place near Gorakhpur. Near Gorakhpur, UP. One, Mesopotamia. Definitely, confirm. चलो इंडस वैली लार्जेस्ट है ओल्डेस्ट है आपकी कौन सी बताओ ओल्डेस्ट मेसोपोटामिया और लार्जेस्ट है सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा निम्नलिखित में से किसने आगरा शहर की नींव का श्रेय दिया जाता है जिसने आगरा बसाया मेसोपोटामिया बेसिकली सबसे पुरानी बोली जाती है गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन आल्सो सिकंदर लोदी ग्रेट बुद्ध चरित द बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध वॉज रिटन बाय बोधिसेना असंगा इंद्रभूति अश्वघोष बुद्ध चरित गौतम बुद्ध की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई बोधिसेना के द्वारा असंग के द्वारा इंद्रभूति के द्वारा अश्वघोष के द्वारा Yes. Fourth, Ashwaghosh. Sabka answer aa raha hai. Correct. Who among the following defeated Mughals in the Battle of Karnal? निम्नलिखित में से किसने करनाल के युद्ध में मुगलों को हराया था? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, दौलत राव सिंधिया, पेशवा बालाजी नादिर शाह करेक्ट आंसर यही नादिर शाह ही थे जो मयूर तख्त यानी कि पीकॉक थ्रोन उठा ले गए ग्रेट हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे दीन शाह इडुलची वाचा बद्रुद्दीन तैयब जी फिरोज शाह मेहता ऑल ऑफ द अबव 1739 नादिर शाह मोर तख्त यानी कि पीकॉक थ्रोन उठा ले गए नहीं पानीपत नहीं था इनके साथ हाँ शाहजहां वाला 1739 अच्छा मिस टाइप हो गया तुमसे ऑल सब आ गए ऑल पे यस ऑल मगध एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ मगध साम्राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे पर की गई थी यमुना सोन गोमती सरयू ऑल 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 सबका ऑल खत्म भाई ऑल वाला हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन
सोन नदी, सोन नदी, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच अमंग द फॉलोइंग बैटल्स वॉज द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. निम्नलिखित में से किस युद्ध के माध्यम से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? बैटल ऑफ करनार, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, घाघरा, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. अंकित मेरे पास लेट पहुंच रहे हैं मैसेजेस. प्रमोद मॉडर्न वाले ज्यादा नहीं है मेरे पास, आज लग रहा है एंशियंट और मेडिवल ज्यादा है. मॉडर्न वाले के लिए मैं एक और सेशन कल कर दूंगा, कल 11 बजे वाला मैं मॉडर्न के लिए कर दूंगा. अगर मॉडर्न के क्वेश्चन कम पड़ते हैं तो मैं कल जो 11 बजे का करूंगा उसमें मॉडर्न डाल दूंगा. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, In which of the text mentions to divide Vedic society into four classes? चार कास्ट में किस पर्टिकुलर वैदिक टेक्स्ट ने डिवाइड किया है? याद होगा मैंने पढ़ाया भी था, ये ऋग्वेद में था. कौन से मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में? इब्राहिम लोदी, बाबर. पुरुषोक्त, ग्रेट. पुरुषोक्त इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस वैली पीपल वोर क्लोथ्स मेड अप ऑफ. अशोका इंस्क्रिप्शंस में किन नाम से जाना जाता है? क्लियर. तो किस नाम से अशोक जाने जाते थे अपने इंस्क्रिप्शंस में? धम्म देवी, चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धम्म कीर्ति. द आंसर इज प्रियदर्शी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल रिप्रेजेंट द अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा? Thank you.
नहीं धम्मदेव नहीं, धम्मदेव नहीं, प्रियदर्शी, अभी प्रियदर्शी कराया भी था, प्रियदासी, प्रियदर्शी। हाथी एनलाइटमेंट, हाथी बर्थ दिखाता है। या नहीं, करेक्ट है लायन। देखो एलिफेंट बर्थ दिखाता है, वो भी बर्थ में वोम, और बर्थ का बेसिकली लोटस से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, बुल उनका यूथ दिखाता है, हॉर्स उनका गृह त्याग यानी कि महापरिनिर्वाण दिखा, महाभिष्क्रमण दिखाता है, महाभिष्क्रमण। और लायन दिखाता है एनलाइटमेंट, निर्वाण। हु बिल्ट सुदर्शन लेक, सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। महावीर जी का सिर्फ एक सिंबल था, वो था लायन। इनके टोटल 7 सिंबल्स थे अलग अलग स्टेजेस के। बोधि ट्री भी निर्वाण का ही था आई थिंक। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त, सही आंसर है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। वो भी कौन से चंद्रगुप्त? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में, मतलब उनके किंगशिप में, उनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने, उनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने कंस्ट्रक्ट कराया था। ठीक है, इनके गवर्नर पुष्यगुप्त ने कंस्ट्रक्ट कराया था, और इसको 2 बार इस सुदर्शन लेक को रेनोवेट करवाया था। एक बार स्कंदगुप्त ने रेनोवेट करवाया था, और एक बार रुद्रदमन ने करवाया था। व्हेन वाज द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड? सेकेंड सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब आयोजित किया गया था, जल्दी से बताओ। 1887, 1886, 1893, 1905। रुद्रदमन ने इसका बनवाया नहीं था, इसको रेनोवेट करवाया था, 2 बार रेनोवेट हुआ है। करेक्ट आंसर 1886, सही आंसर है। नेक्स्ट, इन विच पीरियड डिड द सैयद डायनेस्टी रूल? किस अवधि में सैयद वंश ने शासन किया था? 1292, 1320, 1320 टू 1414, 1414 टू 1451, 1451 टू 1526। सैयद डायनेस्टी, ये एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है जो प्रॉफिट मोहम्मद से लिंक की जाती है। कोलकाता, एक एक साल पे सेशन हो रहे थे उस समय। 1885 पहला, 6 दूसरा, 7 तीसरा, एक एक साल पे सेशन हो रहे थे।
करेक्ट आंसर एवरीवन 1414 टू 1451. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट अंडर. मुगल साम्राज्य किसके शासन के तहत अपनी सबसे बड़ी सीमा तक पहुंचा था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब. हाँ, खिज्र खान ने बनाई थी, ये सही है डायनेस्टी. गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो. एकमात्र अफगानी नहीं कहेंगे, दिल्ली सल्तनत में एकमात्र अफगानी कहेंगे, क्योंकि बाद में अफगानी तो और भी आए. लोदीज भी तो अफगान थे. हाँ, दिल्ली सल्तनत में थे, तो दिल्ली सल्तनत का भी एकमात्र अफगानी नहीं कहेंगे. चलो, औरंगजेब. हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1938 टू 39. निम्नलिखित में से किसे 1938 से 1949 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस. ग्रेट. नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया. भारत पर शासन करने वाले पहले मुस्लिम वंश कौन सा था? तुगलक, लोदी, खिलजी, स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है. गांधी जी नाराज हो गए थे. फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी कांग्रेस से निकलने के बाद. हरिपुरा. गुड. स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी आंसर्स आना शुरू हो गए. ग्रेट. वेन महमूद गजनवी इन्वेटेड सोमनाथ, हु वॉज द इंडियन रूलर रूलिंग इन दैट रीजन. जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो उस क्षेत्र में कौन सा भारतीय शासक शासन कर रहा था? भीम प्रथम, भीम वन, चंद्रपाल, चंडेल गंदा और आनंदपाल. गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी. गुड. कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो. गुड मॉर्निंग बिपिन. भीम वन, दैट्स द करेक्ट आंसर एवरीवन. वेरी नाइस. अगला क्वेश्चन सबके सामने. द खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड बाय गांधी इन सपोर्ट ऑफ होम अमंग द फॉलोइंग. गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके समर्थन में किया गया था? इंडिगो प्लांटर्स, पेजेंट्स, मिल वर्कर्स, ऑल ऑफ द अबव. भीम दो ने गजनवी को हराया था.
The correct answer, peasants, किसानों के लिए, किसानों के लिए बेसिकली इंडिगो प्लांटर्स नहीं था, किसानों के लिए था। नेक्स्ट, विच सिटी वॉज एक्सकेविटेड इन 1922 इन द लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑन द बैंक्स ऑफ इंदस। 1922 में सिंधु घाटी, सिंधु के तट पर लरकाना जिले में किस शहर की खुदाई की गई थी? मोहनजोदारो, धनुषकोड़ी, कांची, हड़प्पा। हाँ, यहाँ ऑल वाला ट्रक नहीं लगेगा। मिल मजदूर के लिए तो अहमदाबाद में किया था और पहला उनका भूख मतलब हंगर स्ट्राइक था, आमरण अनशन। सही आंसर मोहनजोदारो, मोहनजोदारो 1922, मोहनजोदारो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच रूलर, अच्छा हड़प्पा कौन सी नदी के बैंक पर, कौन सी नदी के किनारे, हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे, इंदस के किनारे मोहनजोदारो है, सिंधु के किनारे मोहनजोदारो है, और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है। हाँ, हड़प्पा 1921, कौन सी नदी के किनारे, वहीं से आंसर आ जाना था। Which ruler ascended the throne after the death of Qutbuddin Aibak? हड़प्पा रवि नदी के किनारे, हाँ सिंधु नहीं, रवि नदी के किनारे हड़प्पा, वहीं से आंसर आ गया। That's it. Guys, keep on sharing the session and hit the like button also. Yes, रवि नदी के किनारे। अब ये बताओ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा, रजिया बैठे, बलबन बैठे, आरामबख्श बैठा। पुरुषनी, ऋग्वेदिक नेम पुरुषनी। मेनी क्वेश्चंस विकास, आई थिंक आई हैव ऑन 46th क्वेश्चन। इल्तुतमिश, आरामबख्श, सही आंसर आरामबख्श, आरामबख्श बेटा था। 8 महीने का कार्यकाल बोला जाता है इसका, 8 months का। ये दिल्ली में जनाब इल्तुतमिश थे और उस समय कुतुबुद्दीन के टाइम पर जो कैपिटल था वो लाहौर था। लाहौर में उनके बेटे को राजा घोषित कर दिया गया था, ठीक है। फिर क्लैश होता है इल्तुतमिश और आरामबख्श में, आरामबख्श को मार के इल्तुतमिश फिर राजा बन जाता है। टू विच रिलीजन द त्रिपिटका स्क्रिप्चर्स रिलेटेड, त्रिपिटका शास्त्र किस धर्म से संबंधित है? जल्दी से जवाब दो। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। आराम बख्श शाह पूरा नाम। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आंसर आ गया, बौद्ध धर्म, बौद्धिक धर्म, बुद्धिज्म करेक्ट। नेक्स्ट, अंडर हूज टेन्योर वाज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसके कार्यकाल में गठन किया गया था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर, डफरिन, डफरिन, डफरिन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट मॉडर्न रूलर टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारकर सिंहासन हासिल किया था?
देववर्मन को, बिंदुसार को, भीरथ को, दशरथ को? डफरिन बोस है 1885। तो आखिरी मौर्य शासक कौन था? आखिरी मौर्य शासक जिसको मार के बृहद्रथ सिंहासन पर सॉरी पुष्यमित्र शुंग सिंहासन पर बैठा, वो थे बृहद्रथ जिनको मारा गया था। यस द करेक्ट आंसर बृहद्रथ। नेक्स्ट, द पोर्चुगीज केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ व्हाट? पुर्तगाली भारत में किसकी खोज में आया था? मुस्लिम क्लॉथ, लेबर, स्पाइसेस, गोल्ड। बेहद सही आंसर है। स्पाइसेस, स्पाइसेस की खोज में आए थे, स्पाइसेस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ मगध इन हिज रेन एंड क्रिएटेड अ स्मॉल फोर्ट हियर? किसने अपने शासनकाल में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया और यहाँ एक छोटा किला बनवाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, कलाशोक। फर्स्ट गाइस, गुना लाभ पूरे उसमें कमाया था, याद है सब। उदाइन करेक्ट आंसर, उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट और द लैंड गिफ्ट मूवमेंट 1951? बहुत चर्चित है, इंदिरा गांधी, विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी। फास्ट गाइस, विनोबा भावे, दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वेयर डिड द लीडर ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट दिस मूवमेंट? किस बात की गलती अनुराग, मैं तो अपनी तबीयत से परेशान हूं। कहां से स्टार्ट किया था आचार्य विनोबा भावे ने? नासिक, पूना, पावनार, नागपुर। द करेक्ट आंसर बीइंग पावनार, बहुत सही। नेक्स्ट, व्हाट डज त्रिरत्ना मीन्स इन बुद्धिज्म? बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटका, बुद्ध धम्म संघ, सत्य अहिंसा करुण, शील समाधि संघ। पावनार था, सही है। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। करेक्ट, बुद्ध धम्म संघ। नेक्स्ट, विच वॉज द लास्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड एंड विच वॉज द लास्ट टू लीव?
आखिरी में आने वाले और आखिरी में जाने वाले। हाँ सबसे पहले आने वाले सबसे आखिरी में जाने वाले तो सेम है, अब तुम समझ सकते हो। फ्रेंच पोर्चुगीज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सूरी किंग डिफीटेड द हुमायूं टू रिगेन हिज किंगडम। कौन वो सूरी राजा था जिसने हुमायूं को हरा कर किंगडम पाया था? सिकंदर सूरी, मोहम्मद सूरी, बहलोल सूरी, शेरशाह सूरी, या कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस एज मच एज पॉसिबल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। शेरशाह, करेक्ट, शेरशाह सूरी। इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशंस प्राकृत सॉरी परीक्षित एंड सन जनमेव जया। इन विच ऑफ द टेक्स्ट मेंशंस परीक्षित एंड सन जनमे जया। किस पाठ में परीक्षित और उसके पुत्र जन्मेजय का उल्लेख है? ब्राह्मणस में, वेदांगास में, उपनिषद में, पुराण में। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एज मच एज पॉसिबल एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो। करेक्ट आंसर उपनिषद। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉपर वॉज इम्पोर्टेड बाय द हरप्पन पीपल। कॉपर कहाँ से मंगाते थे? पर्शिया, अफगानिस्तान, ओमान, नन ऑफ द अबव। ओमान कैपिटल मस्कट। ग्रेट। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ शाहजहां? शाहजहां का पूरा नाम क्या है? शिहाब अल मोहम्मद हुर्रम, जाहिर अल दीन मोहम्मद, मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम, मीर शाह मोहम्मद खान खुर्रम। पूजा मैं तुम्हारे चार क्वेश्चन का जवाब लास्ट में दूंगा। पहला, कौन सा एग्जाम क्रैक किया है? दूसरा, इंग्लिश किसमें पढ़ानी है? तीसरा, तबीयत मेरी भी खराब है। और चौथा आगे आएगा। करेक्ट आंसर मिर्जा शहाबुद्दीन बेग मोहम्मद खान खुर्रम। थर्ड गेस। सुरभि, 1 घंटा और। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फोर्ट? सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1897, 1870, 1880, 1890। सब में खुर्रम है। अनुराग जो सबसे लंबा था, बस समझ लो इसलिए शाहजहां को बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाने का शौक था। 1897, दैट्स द करेक्ट आंसर। 1897 बैटल ऑफ सारागढ़ी, बहुत फेमस हो गई है अब तो ये। इन विच ईयर द सत्यशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फूले? ज्योतिराव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन।
Sakhi Ashraf, the class is till 12 o'clock. And congratulations, guys. 60 questions completed. 61st question. This is the 61st question. या केसरी बैटल। तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टाडो दे इंडिया कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया। यूरोपियन के भारत आगमन के संबंध में एस्टाडो दे इंडिया को किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश्ड बाय द पर्शियंस इन इंडिया, administrative system established by Danish in India, administrative system established by French in India, administrative system established by Portuguese in India. Estado de India कौन सी भाषा है? French है, Danish है, Persian है, Portuguese है? Yes, Harry. गेस्टवर्क आने शुरू हो गए हैं। द करेक्ट आंसर इस पोर्चुगीज पुर्तगाली है। एस्टाडो एस्पेनॉल, ये सब एस्टाडो एस्पेनॉल, ये सब पुर्तगाली लैंग्वेजेस है, क्या याद रखना इसे। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग सत्यग्रहस, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? सत्याग्रह इन खेड़ा, सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट बिल, महर स्वीट वाटर टैंक सत्याग्रह और वैक्यूम सत्याग्रह, वाइकॉम, सॉरी वाइकॉम सत्याग्रह। बहुत सही आंसर आना शुरू हो गए हैं। महार स्वीट वाटर टैंक सत्याग्रह, दैट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर राहुल गांधी का नाम होता तो कोई भाई जरूर मार देता अब तक यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस। नहीं, महार स्वीट था। तो यहां पर सही आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। वो सबसे यंग बने थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू वेरियस गॉड। इनमें से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद। इजी क्वेश्चन है काफी, आंसर करो कैसा फास्टर। ऋग्वेद, ग्रेट, करेक्ट आंसर एवरीवन, ऋग्वेद। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट। अशोकन एडिक्ट की स्क्रिप्ट क्या है? गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन as much as possible. Brahmi, good. Prakrit and Brahmi script. Name the kingdom which first used elephants in war. उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। चंपा, मगध, कोसला, अवंती। द करेक्ट आंसर इज मगध। मगध ने सबसे पहले किया था, ठीक है। विच सिटी ऑफ बिहार मेंशंस अंगुत्तरपा इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, मझिमा निकाय। बिहार के किस शहर को बौद्ध ग्रंथ मझिमा निकाय में अंगुत्तरपा
के रूप में उल्लेखित किया गया है? बेगूसराय, दरभंगा, सासाराम, बोधगया। यस मगध, मे बी नॉट मगध, इट्स द करेक्ट आंसर मीन्स बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय सही आंसर है, इसी को अंगुत्रप्पा बोला गया है। हु वॉज द चीफ सर्वाइवर ऑफ द चीफ सुपरवाइजर ऑफ द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम द होल किंगडम इन मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य प्रशासन में पूरे साम्राज्य राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? अंतपाल, कर्मंटिका, सनिधत्ता, समरहत्ता। Guys, keep on sharing the session as much as possible and hit the like button also. Correct है समर्था, समर्था। Next, which ancient site the only one UNESCO World Heritage Site present in Bihar state of India? भारत में बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र UNESCO विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? Tomb of Shershah Suri, ancient site of विक्रमशिला मोनास्ट्री, महाबोधि विहार, कुंभहार, पटना। गाइस कीप ऑन शेयरिंग द सेशन एंड हिट द लाइक बटन आल्सो। करेक्ट वन, महाबोधि विहार। मंजूश्री इन अजंता पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? अजंता की चित्रकला में मंजूश्री किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, नन ऑफ द अबव। हाँ, विक्रमशिला, धर्मपाल। द करेक्ट आंसर बीइंग बुद्धिज्म, दैट्स द करेक्ट आंसर एवरीवन गाइस, वेरी नाइस। हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज दीवान ए कोही? निम्नलिखित में से किसने दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का एक नया विभाग स्थापित किया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह बामनी। हु एस्टैब्लिश्ड इट? फास्ट गाइस। द करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। इसने नया एग्रीकल्चर का दीवाने को ही डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था। ही वाज द वन। इन व्हिच ईयर गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद एंड टुक अ प्लेस टू रिटर्न बैक ओनली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज? गांधी जी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया? 1933, 1922, 1930, 1929। Guys, keep on sharing the session as much as possible. The correct answer, 1930 डांडी मार्च के लिए निकले, डांडी मार्च के लिए निकले थे, उसी दिन उन्होंने कहा था अब वापस तभी लौटेंगे जब स्वराज लेके आएंगे। Who proposed the Vernacular Plus Press Act? Vernacular Press Act का प्रस्ताव किसने दिया था? Lord Canning, Lord Lytton, Lord Dufferin and Lord Lawrence. Next question, faster guys. करेक्ट आंसर लॉर्ड लिटन। बहुत सही, लॉर्ड लिटन ने लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। द प्रेसिडेंट ऑफ
इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे? सी राजा गोपालाचारी, जे बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लेटन राया, रिपन समाप्त किया। गुड मॉर्निंग पूजा। करेक्ट आंसर जेबी कृपलानी, झंडा कमीशन के अध्यक्ष यही थे और एडहॉक कमेटी के राजेंद्र प्रसाद। टू विच डीटी इज द गायत्री मंत्र प्रेजेंट द टेंथ मंडल ऑफ द ऋग्वेद रिलेटेड टू? ऋग्वेद के दसवें मंडल में किस देवता के लिए गायत्री मंत्र मौजूद है? अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र। अभी डायरेक्टली सूर्य नहीं, सूर्य की पत्नी है वो जिनको समर्पित है वो। हिंट तो कर ही दिया मैंने, सूर्य की पत्नी। करेक्ट आंसर सूर्य, सूर्य की पत्नी। सूर्य की पत्नी का नाम बताओ जिनको गायत्री मंत्र समर्पित है। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर विच रिवर? टेल मी, भारत पे वैदिक सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? सावित्री, वेरी नाइस सावित्री। तापी, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी। हाँ अनुराग, थर्ड है वो, सही बोल रहे हो, थर्ड मंडल है और थर्ड मंडल का, थर्ड मंडल का टेंथ सेक्शन है। थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल का टेंथ सेक्शन है, सही कह रहे हो। टेंथ में पुरुषोक्त है, बहुत कुछ है, अहम चीज बोले तो पुरुषोक्त है। सरस्वती करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। टू मेंटेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदास द टेक्स्ट कंपोज बाय महर्षि जैमिनी इज, वेदों के महत्व को बनाए रखने के लिए महर्षि जैमिनी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? आंसर करो फास्ट, पूर्व मीमांसा, मीमांसा सूत्र, उत्तर मीमांसा, नन ऑफ द अबव। फास्ट गाइस, ये 78th क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर पूर्व मीमांसा, गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स वॉज नॉट बिल्ड बाय द स्लेव डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक गुलाम वंश द्वारा नहीं बनाया गया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, क्वातुल इस्लाम मॉस्क, अलाई दरवाजा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पूर्व मीमांसा फर्स्ट था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट गाइस, जल्दी से। करेक्ट आंसर अलाई दरवाजा। नेक्स्ट, द फेमस रूलर ऑफ द एंशिएंट इंडिया हु टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ इज सेड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन है जो अपने जीवन के अंत की ओर कहा जाता है कि जैन धर्म में परिवर्तित हो गया? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। बहुत आसान है, भद्रबाहु के साथ चल दिए थे भाई मरने, वहीं जाके त्याग करेंगे अपने शरीर का। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चला गए थे, श्रवण बेला गोला, याद है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट? चंडोक्य, मुंडक, बृहदरण्यक और नन ऑफ द अबव। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। हाँ, संलेखना प्रोसेस थी। नेक्स्ट, बृहदरण्यक इसका सही आंसर है, ठीक है। और मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम दिस मुंडक उपनिषद? बृहदरण्यक ओल्डेस्ट है। Who was the founder of Maurya dynasty? Maurya वंश का संस्थापक कौन था? The correct answer, चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत आसान। When has the खिलाफत movement started? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? Yeah, 120 minimum, 150 maximum. सत्य तमेव जयते, टोटल ओन ट्रायम्स, वेरी नाइस। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन अगल बगल ही चले हैं भाई। 1919 करेक्ट आंसर। विच गवर्नेंस सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन द वैदिक पीरियड? वैदिक पीरियड में कौन सा गवर्नेंस सिस्टम अडॉप्ट किया गया था? वैदिक पीरियड में जो चली थी वो मोनार्की चलती थी, ठीक है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज दांडी मार्च 1930 अगेंस्ट द व्हाट? रिप्रेशन ऑफ द कांग्रेस, कम्युनल अवार्ड, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, एट्रोसिटीज ऑन हरिजन। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, दांडी यात्रा 1930 में जो शुरू की थी वो किसके लिए शुरू की थी? कांग्रेस के दमन को लेकर, कम्युनल अवार्ड को लेकर, नमक कर को लेकर, हरिजन पे किया जा रहे अत्याचारों को लेकर। नमक कर सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जेनेलॉजी ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य की सही वंशावली कौन निम्नलिखित में से कौन सी है? बिंबिसार अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार अशोक। पहली बात बिंबिसार तो है नहीं, बिंदुसार है, तो बिंबिसार वाले सारे ऑप्शन हटा दो, बचा एक ही तुम्हारे पास, नहीं दो बचे। अब बिंदुसार का लड़का अशोक था, लेकिन अशोक का लड़का चंद्रगुप्त थोड़ी ना था, तो जाहिर सी बात है चौथा होगा सही। करेक्ट वन। कीप ऑन शेयरिंग द सेशन गाइस। इन विच कांग्रेस सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज अडॉप्टेड? रवि नदी के किनारे झंडा फहरा के आधी रात को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कौन सी नदी के किनारे? बहुत सही, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में किया गया था मांग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था 1929 में रवि नदी के किनारे। द पोलिटिकल पार्टी डेट केम इन टू पावर आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी वॉज? नेशनल इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद कौन सी पोलिटिकल पार्टी पावर में आ गई थी? राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जनता पार्टी। बहुत आसान है, जनता पार्टी का रूल आ गया था भाई। नॉर्दर्न इंडिया बिफोर राइज ऑफ मौर्यास वो डिवाइडेड इन, मौर्यों के उदय से पहले उत्तरी भारत किन में विभाजित था? 10 मोनार्क स्टेट्स, 2 स्टेट्स, 20 मोनार्क स्टेट्स, 16 मार्क जनपद एंड रिपब्लिक्स।
बहुत आसान, 16 महाजनपदों में विभाजित था, उनमें से एक महाजनपद मगध मगध था, बाद में मौर्य साम्राज्य बना उसी मगध पर। विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज शिराज़े हिंद, ये बहुत बार मैंने तुम लोगों को बताया भी है, जब बताया यहाँ एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ से 5 नदियाँ भी गुजरती हैं, और जौनपुर वाले मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ जौनपुर बोल भी दिया, जौनपुर जौना खान के नाम पे बसाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक का असली नाम जौना खान, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपने भाई की याद में जौनपुर जौना खान। अटाला मस्जिद है यहाँ पर फेमस। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सकवेटेड द मोहनजोदारो रूइंस फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खुदाई की थी? आर डी बनर्जी, ई जे एच मैके, सर जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बनर्जी साहब, हाँ सबसे ज्यादा है जौनपुर में विमेन, जौनपुर में फीमेल सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है शहरों में, अगर यूपी के शहरों में देखा जाए तो जौनपुर का फीमेल सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। ऑल ऑफ द अबव, ऑल 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 ऑल, यहाँ तो ऑल होना था। यस, ऑल की ट्रिक लग गई भाई। मेगस्थनीस वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मेगस्थनीस किसका राजदूत था? सेलिकस का, अलेक्जेंडर का, डेरियस का, और ग्रीक्स का, किसका था? तनुश्री, बंगाली, वी आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यार। करेक्ट आंसर सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूसिड डायनेस्टी बनाई थी सेल्यूकस ने अलेक्जेंडर के मरने के बाद। आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ व्हाट, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का, अथर्वेद का? आयुर्वेद किसका उपवेद है जल्दी से बताओ, आयुर्वेद किसका उपवेद है? ट्रिक नहीं लगाया। अच्छा, ऋग्वेद का है आयुर्वेद। यस, हु वाज सिटिंग ऑन द मुगल थ्रोन व्हेन द ब्रिटिश फर्स्ट एंटर्ड देयर कोर्ट, सबसे पहले ब्रिटिश जब कोर्ट में एंटर किए मुगल बादशाह के, तो कौन कोर्ट में बैठा हुआ था? 90 मिनट्स हो चुके हैं और 94th क्वेश्चन पर हैं हम लोग। ओके, तनुश्री रिटन आर डी इन बंगाली। उस टाइम पर जहांगीर बैठे हुए थे। यस करेक्ट आंसर। एट विच प्लेस डिड गौतम मीट द 5 ब्राह्मण्स आफ्टर अचीविंग एनलाइटमेंट, जहां पकड़ के उनको ज्ञान दे डालते हैं, कहां पर ज्ञान दे डाला था, कौन सा जंगल था? बनारस के आउटस्कर्ट पे है अभी तो, आउटस्कर्ट क्या, तो शहर के अंदर ही है। सारनाथ, कौन सा जंगल था वहां पर जल्दी से जंगल का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सिविलाइजेशन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एन एक्सकवेशन कैंपेन अंडर डैश इन 1921-22 एट हड़प, सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921-22 में हड़प्पा में किसके तहत एक खुदाई अभियान के दौरान की गई थी? रॉबर्ट रैकस, आर डी बनर्जी, सर जॉर्ज ह्यूबर्ट मार्शल, ई जी एच मैके। वेरी नाइस गाइस,
जंगल नहीं पता, मृगदाव वन, मृगदाव फॉरेस्ट, मृगदाव वन उस जंगल का नाम है, मृगदाव, मृगदाव फॉरेस्ट या मृगदाव वन। तो करेक्ट है मार्शल, बहादुर शाह द लास्ट मुगल एम्परर वॉज एग्जाइल टू विच प्लेस फॉर फियर ऑफ अनदर रिबेलियन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह को एक और विद्रोह के डर से कहाँ निर्वासित किया गया था? मैसूर, कर्नाटक, अवध, बर्मा। अपनी खुद की कब्र बना के रखी थी लेकिन कब्र नसीब नहीं हुई इनकी, इनको इनकी। की कब्र खो भी गई थी, फिर सुभाष चंद्र बोस ने की कब्र खो ढूंढी है, उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करके वहां पर फूल चढ़ाए थे। बर्मा, करेक्ट, बर्मा। द एंशियंट हरप्पन टाउन लोथल सिचुएटेड इन विच स्टेट? भाई पोर्ट सिटी था, और पोर्ट हमारे यहाँ कहाँ फेमस होगा? अभी इन सभी में देख लो पोर्ट कहाँ होगा, बंदरगाह कहाँ मिलेगा तुम्हें? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, इनमें से कहीं नहीं मिलेगा। अंतिम मिलेगा कहाँ? गुजरात, मोदी जी का गुजरात। यस, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज इन इंडिया ऑफ इंडिया इन 1866? निम्नलिखित में से किसने 1866 में भारत में ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया? देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय, आनंद मोहन बोस, केशव चंद्र सेन। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866। करेक्ट आंसर राम मोहन रॉय। नहीं है, सॉरी, करेक्ट है केशव चंद्र सेन, राम मोहन रॉय नहीं, वो ब्रह्मो समाज था, ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, सॉरी, ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है, केशव चंद्र सेन। नहीं, मेरी तरीका, तुम लोग भी गलत कर रहे हो। या तनवीर, PDF यू विल बी गिवन द PDF आफ्टर द सेशन, एंड PDF विल बी ऑफ 150 क्वेश्चन डे। PDF में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी तरह गलती कर रहे हो, मेरी तरह गलती कर रहे हो, मेरी तरह गलती कर रहे हो सारे। ब्रह्मो समाज नहीं है ये, ब्रह्मो समाज नहीं है। देखो ब्रह्मो समाज 1828 का था, ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है। डोंट डू दैट, केशव चंद्र सेन। हंडे बॉय, तुम जो सोच रहे हो सही है, 1828 में ब्रह्मो समाज, लेकिन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 है। वी हैव कमिटेड द सेम मिस्टेक। हाँ केशव है, तो वो पीयूष ने कहा केशव है सर। हुमायूं नामा वॉज रिटन बाय होम? हुमायूं की बहन थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा। हाँ 1828 में ब्रह्मो समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय, लेकिन ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। श्री लक्ष्मी, यू विल बी गेटिंग द PDF डेयर आफ्टर, जस्ट राइट आफ्टर द सेशन। ऑलराइट, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आई विल एंड एट 100 ओनली, ठीक है? हुमायूं की बहन थी गुलबदन बानो बेगम, इन्हीं ने लिखा था। हाँ तो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, 50 का डोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा तुम लोगों को। गाइस, आई एम हैविंग अ लिटिल इशू विद माय हेल्थ, इसकी PDF यहीं मिल जाएगी, ठीक है? थैंक यू ऑल, थैंक्स अ लॉट, डू शेयर द सेशन गाइस, ठीक है? नहीं, अभी PDF मिल जाएगी, राइट आफ्टर दिस यू विल गेटिंग द PDF, ठीक है? बस मेरे को आधे घंटे का टाइम देना, आधे घंटे में PDF अपलोड हो जाएगी, यू विल बी गेटिंग PDF इन हाफ एन आवर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हाँ PDF में आंसर है प्रणली, PDF में आंसर है डियर, PDF में आंसर्स है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
नो, पीडीएफ यही प्रोवाइड होगी, कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, लाइव कमेंट जैसे ही खत्म होंगे, कमेंट सेक्शन जैसे ही आएगा पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी वीडियो के नीचे पीडीएफ मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे। यस तन्वीर, से व्हाट यू वांट टू से, आई एम जस्ट वेटिंग। अपलोड होने में टाइम नहीं लगता। हाँ, सिलेक्शन बेसिकली आई एम एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी डेयर, आई हैव क्लियर्ड माय प्री आल्सो, बट मीन्स नहीं हुआ, दैट इज व्हाई आई एम सिटिंग। और भी बहुत सारी चीजें, यू विल बी गेटिंग दैट व्हेन आई विल बी डन विद दैट। आई एम अ पर्सन हु डिस्क्लोज लीस्ट अंटिल इट इज डन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। होप सो श्योन। और अभी मैं और ज्यादा दूंगा, ठीक है। कल 11 बजे वाले सेशन में कोशिश करूंगा तुम लोगों के लिए सेपरेट मॉडर्न हिस्ट्री का एक रख दो। तनवीर, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर काउंट्स इन योर मॉक टेस्ट, एंड आई वुड सजेस्ट यू जस्ट वन थिंग देयर। पहले मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देने के बाद एक काम जरूर करो, उसका एनालिसिस करो। जस्ट डू द एनालिसिस। एनालिसिस में करना क्या है, जस्ट मेक इट इन योर माइंड दैट यू हैव टू जस्ट टेक आउट द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को देखो और देखो तुम्हारी मिस्टेक क्या थी, और मिस्टेक को सिर्फ आंसर देख के सॉल्व ना करो, उसका सोल्यूशन जो कि एक प्रॉपर वे में मिल जाए विथ फुल डिस्क्रिप्शन, गो फॉर दैट। और जस्ट गो थ्रू द चैप्टर वंस मोर, जिसमें भी तुमको ज्यादा डाउट आ रहा है वो चैप्टर को एक बार फिर से करो, देन अगेन अटेम्प्ट अ मॉक टेस्ट। और दिन में दो मॉक टेस्ट नेसेसरी है, एक सुबह देना, वन मॉक टेस्ट इन मॉर्निंग जिसका तुम एनालिसिस करोगे दोपहर के टाइम में, सेकंड मॉक टेस्ट आप इवनिंग में दोगे जिसका एनालिसिस रात को करके सोगे नाइट। ये दोनों काम करके सोगे, जस्ट डू दिस फॉर 3 regular days, 3 दिन, यानी कि 6 टेस्ट तुमने देने के बाद तुम्हें खुद ब खुद अपने में चेंज दिख जाएगा। क्लियर? क्लियर तन्वीर? सो इज दैट क्लियर? एनी मोर डाउट्स एनीवन? नाउ आई एम लीविंग टियर। और सेशंस को बराबर वॉच करते रहो। डेफिनेटली एक बात बता रहे, जितने वन लाइनर सेशंस होते हैं ना वो याद हो जाता है, देखते देखते सेशंस याद हो जाते हैं। तो एक बार जो कहेंगे कि वन लाइनर सेशन चाहे किसी का भी आ रहा हो, जस्ट वॉच इट, ठीक है। टेस्ट बुक इज गिविंग यू ऑल डे राउंड, तुमको पूरे दिन मिल रहा है, तो ठीक है उसको जरूर से जरूर करो। कोई डाउट हो टू टेल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प गाइस। थैंक यू थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।